जी सर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिजाब अफर क्वाली है और मैं यहाँ स्कूल कुरंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ। सो आज मेरे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और ग्रेट मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है सर मोहम्मद शहीद इकबाल अब्बास आईटी वाला। आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान सके। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है, ठीक है जी। तो अबासी हमारी वो जात है और आईटी वाला लिखा है कि आईटी रिलेटेड से, आईटी फील्ड से रिलेटेड हूँ पिछले तकरीबन 14 साल से, 2010 से रिलेटेड हूँ आईटी फील्ड से। 2010 में मैंने अभी मैट्रिक किया था, 2009 में। तो 2010 में हमारा केबल का नेटवर्क था, केबल सिस्टम, पहले केबल नेटवर्क सिस्टम होता था, अभी तो इंटरनेट चल रहा है ना, तो पहले केबल नेटवर्क होता था, उस पर जो मतलब चैनल्स होते थे, अभी भी चल रहा है लेकिन अभी उसका इतना रुझान नहीं है, डिमांड नहीं है, लेकिन तब तो रुझ पे था वो काम। हमारा खुद का केबल नेटवर्क था, 4 से 5 महीने में मैंने केबल नेटवर्क का काम सीखा है। उसमें सिस्टम होते हैं, चैनल्स होते हैं, मॉड्यूलेशन होते हैं, तो वहाँ पे 4 महीने के बाद काम करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मतलब एक एरिया ले लिया, मेरे पास तकरीबन 300-400 कनेक्शन थे। 300-400 कनेक्शन का मतलब है 300-400 घरों में केबल को प्रोवाइड करना, उसका सिग्नल पूरा करना, उसके चैनल की जो ट्रांसमिशन होती है वो पहुंचाना साफ क्लियर, उसकी रिकवरी करना, ये सारा काम मेरे जिम्मे था। उसका लाइसेंस बाकायदा मेरे नाम था क्योंकि मेरे वाले साहब के केबल नेटवर्क था। तो 2010 से मैंने स्टार्ट किया और 2019 तक केबल नेटवर्क का काम किया, हमारे 6 से 7 केबल नेटवर्क थे। उसके बाद मैंने वो छोड़ के वो हमने सेल कर दिया था, तो फिर सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरा का काम शुरू कर दिया कि मैंने अपनी शॉप बनाई वहाँ। फिर मैंने 3 साल काम किया क्योंकि 2019 में आपको पता है कोविड आ गया था, कोरोना वायरस। मैंने शॉप बनाई उसके तकरीबन 6 माह बाद या 9 माह बाद, एक्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, कोरोना वायरस आ गया। तो तब काफ़ी लोगों का काम डिस्टर्ब हुआ, तब मैंने फिर कोर्स किया फ्रीलांसिंग का और डिजिटल मार्केटिंग का, सर श्याम सर्वर से और सर यासर साहब से, तब पढ़ा रहे डिजी स्किल से, वो कोर्स किया। तब मुझे पता लगा कि ऑनलाइन कोई फील्ड है, ऑनलाइन भी बंदा पैसे कमा सकता है और ऑनलाइन में जाना चाहिए, तो मैंने कोर्स किया। उसके बाद कोरोना वायरस खत्म हो गया, काम दोबारा बहाल हो गया, चल पड़ा, फिर मैंने छोड़ दिया, उस वजह नहीं दी। फिर 2022-23 तक मैंने कैमरों का काम किया, उसके बाद मैं इस्लामाबाद चला गया, 1 साल वहाँ पे काम किया सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरा का। लेकिन वहाँ पे जाने के मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक चला गया सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरा का। क्योंकि पहले हम एनालॉग में काम कर रहे थे, फिर आईपी में, इसमें काफ़ी सारी एग्जाम होती हैं, आईपी कैमराज होते हैं, एक्सेस मशीन होती है, टाइम अटेंडेंस मशीन होती है, गेट बैरियर होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक जो गेट होते हैं खुल जाते हैं, और आप जाएंगे गाड़ियों पे टोल प्लाजा पे जो लगे होते हैं ना बैरियर, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते हैं, वो भी सिक्योरिटी कैमराज में आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फेंस आ जाती है, ठीक है। और इस्लामाबाद में इवेंट हुए, वहाँ पे मैं सर श्याम सर्वर से मिला, आजाद चाय वाला से मिला और सर इमरान अली दीना साहब से मिला, वहाँ पे इवेंट हुए, फिर मैंने इवेंट अटेंड करना शुरू किया। और फिर लाहौर में एक इवेंट हुआ स्किल्स गाला के नाम से, वहाँ पे मेरी सर साकिब अजहर और तनवीर नांदला साहब से मुलाकात हुई। फिर मैंने माइंड बना लिया, डिसाइड कर लिया कि अब काम करना है, ऑनलाइन ही करना है। लेकिन अभी मैं कैमरों का कर रहा हूँ, एकदम से तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, 9 साल केबल का है और 4 साल सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज का है, और 9 और 4 13 साल तो यही बनते हैं। बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग है ये मैं पिछले तकरीबन 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ कि कैमरों का काम किया, वहाँ पे इस्लामाबाद एड्स लगाई, गूगल पे एड्स लगाई, फेसबुक पे एड्स लगाई, यूट्यूब पे एड्स लगाई, आपको पता है गूगल एड्स है, और फेसबुक पे एड्स लगाई। उसके बाद दराज पे अकाउंट बनाया, दराज पे सीसीटीवी कैमरा सेल किए, ओएलएक्स पे सेल किए। ये मेरा छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। जबरदस्त, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है केबल इंटरनेट और ये कैमरास के हवाले से, आप हमें ये बताएं कि अगर कोई हमारे व्यूअर्स में से कोई काम करना चाहिए, कोई इरादा रखता हो ये काम करने का, तो उसको कोई इजी मेथड बताएं कि वो कैसे इस काम को स्टार्ट करे। अभी तो केबल नेटवर्क का दौर नहीं है, अभी तो फायदा नहीं है, इसका लाइसेंस होता है। हमारा जो रीजन है ना, हमारा एरिया है बहावल नगर, और जो हमारा सिटी है वो छोटा बास है, जो हमारा डिवीजन है वो बहावलपुर है, और जो इसका रीजन है ना वो मुल्तान है। अगर पहले तो जिसने भी केबल सिस्टम बनाना होता था उसका लाइसेंस बनता था मुल्तान से, इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है,
लेकिन हमारा मुल्तान से ही बनेगा। तो मुल्तान से हमारे लाइसेंस बने थे, जो सबसे छोटा लाइसेंस होता है ना वो R1 कैटेगरी में आता है, उसमें आप 500 कनेक्शन चला सकते हैं। तो उसकी जो फीस होती है वो 50,000 से 55,000 थी, टैक्सेस वगैरह मिला के ना 55,000 बनते हैं फर्स्ट टाइम। एक साल की फीस होती है और लाइसेंस होता है 5 साल का, 5 साल की उसकी मायाद होती है। लेकिन हर साल जो पैमरा है ना, पैमरा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो आपको लाइसेंस इशू करता है कि आप केबल चलाएं और उसमें ये वाले चैनल चलाएं, उनकी तरफ से हमको लिस्ट मिलती है कि आप ये वाले चैनल चला सकते हैं, उसमें 50, 60, 100, 150, 200 जितने भी चला सकते हैं। पहले चल रही थी एनालॉग केबल, अब चल रही है डिजिटल केबल। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी केबल की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसका काम जो है ना टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अभी जो यूजर है ना वो मोबाइल पे आ गया, आपको पता है मोबाइल ज्यादा चल रहा है, एंड्रॉइड LED चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, अभी है इंटरनेट का दौर। अब जिसने काम करना है वो इंटरनेट का कर ले, लेकिन इंटरनेट का भी ये भी मेरे हिसाब में जहां तक मुझे नॉलेज है 4 से 5 साल तक है, उसके बाद आ जाएगी सेटेलाइट डिश, वो घर चला के चला सकते हैं। मैं ये का मशवरा सभी को दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग इस दौर में अगर आपने करना है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग लाजमी करें, हर बंदा करे, बेशक वो ऑफलाइन काम कर रहा है, बेशक ऑनलाइन कर रहा है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से आप अपना कारोबार अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन फील्ड में भी लोगों को सर्विस दे सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग, इसी में मैं जाना चाह रहा हूँ। अभी 2D एनिमेशन का कोर्स है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना कैमरों में मुझे इशू आया था एक दफ़ा, इसमें शिपिंग का जो है ना वो इशू आता है, कि जब वो कोरोना वायरस आया था ना तो इसकी वो रुक गई थी शिपिंग, तो हमें कैमरों में लाने में बड़ा मसला आ रहा था, क्योंकि ये सारे चाइना से इम्पोर्ट हो रहे थे, पाकिस्तान में बना नहीं रहे थे, और जो पाकिस्तान में बनाते हैं वो लाहौर में बनते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और जो सबसे बेस्ट कैमराज हैं वो धावा, हाइकविजन, पोलो और UNB उसके कैमराज चल रहे हैं। लेकिन केबल सिस्टम का मैं मशवरा किसी को नहीं दूंगा, अगर करना है किसी ने तो वो इंटरनेट का काम कर ले, और वो भी फाइबर के थ्रू, फाइबर सप्लाई मशीन जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो पता है, मुझे चलानी आती है बाकायदा तौर पर। फाइबर का सीन ये होता है कि आप काफ़ी लंबी लेंथ तक चला सकते हैं। हमने तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक लाइन बिछाई हुई थी केबल नेटवर्क की, और वो सारी लाइन मैंने मतलब लड़कों के साथ मिलके, हमने 5-6 लड़के थे, उन सब ने बिछाई थी। अभी उसमें जाने का फायदा नहीं, अभी तो आप ऑनलाइन काम में जाएं बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आने वाला स्कोप इसमें, हाँ CCTV कैमरों में जा सकते हैं, उसका स्कोप है, वो आने वाले 15 से 20 सालों में काम चलेगा। और CCTV कैमरा में भी फाइबर केबल का यूज होता है, जो CCTV के कैमरा है ना, जो CCTV के उनमें फाइबर केबल का यूज होता है, कि अगर लंबी लेंथ है तो उसमें आप वो या तो एक्सेस पॉइंट होते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर फाइबर नेट का यूज कर सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू फॉर योर आंसर सर। तो उसके अलावा आप हमें ये बताएं कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी आपने कहा कि अपने काम के लिए, अपना सवाल दोबारा रिपीट करेंगे, वो वीडियो स्टिल हो गई थी बीच में। जी तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग हम अपने काम में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपने काम में डिजिटल मार्केटिंग की, मेरा है स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, तो मैं अपने काम में डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकती हूँ? डिजिटल मार्केटिंग सिंपल है, आपने पेज बनाना है, फेसबुक पे ID बनी है, आपका पेज बनेगा, ठीक है। जो भी आपने काम करना है वो बेशक लोगो हो, पोस्टर हो, फ्लायर हो, ब्रोशर हो, जो भी आपने डिजाइन करना है उसको आपने, अगर तो क्लाइंट के लिए करना है, उसकी परमिशन लेके अपने फेसबुक पेज पे साथ साथ अपलोड करते रहना काम को, ठीक है। और साथ में आपने हैशटैग का यूज लाजमी करना है। हैशटैग क्या यूज करना है? हैशटैग ग्राफिक डिजाइनिंग, हैशटैग वीडियो एडिटिंग और हैशटैग लेट्स कनेक्ट। लेट्स कनेक्ट ये होगा कि जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग वाले लोग होंगे ना, वो अक्सर कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और यही आपने यूज करने हैं 3 जो लाजमी मेजर यूज करने हैं। बाकी आपने खुद फाइंड कर लेने हैं कीवर्ड प्लानर से, या फिर गूगल से कर सकते हैं फाइंड, और ChatGPT से भी कर सकते हैं। और बाकी जो यही आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है उस पर भी यही यूज करने हैं, और ट्विटर पे भी यही यूज करने हैं, और इसका पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे तो वो कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, लेकिन उस पर पोस्ट लगा सकते हैं, उस पर तो डायरेक्टली लिंक पेस्ट कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल बनाएं, वीडियो का काम करना है तो वहाँ पे जो अपना काम है वो अपलोड करें, सैंपल करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे 150+ 100 मेरा ख्याल है 70 वीडियोस अपलोड की हुई है मैंने CCTV कैमरा से रिलेटेड, लेकिन अभी जो भी ऑनलाइन फील्ड में जा रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ वो अपलोड कर रहा हूँ मैं। फेसबुक पेज से आप एड्स ला सकते हैं ना, उसके बगैर तो एड्स रन ही नहीं कर सकते।
और अगर आपने गूगल में एड्स लानी है तो गूगल एड्स का आपको आपका अकाउंट बनेगा, तो फिर आप गूगल गूगल में भी एड्स ला सकते हैं, अपनी वेबसाइट जो है उसके पे भी एड्स ला सकते हैं, उसको रैंक कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के भी एड्स ला सकते हैं, उसको भी रैंक कर सकते हैं। और अगर फेसबुक में जा रहे हैं तो व्हाट्सएप जो है फेसबुक ने खरीद लिया, आपको पता है मेटा बन गया वो, तो व्हाट्सएप की भी आप ऐड लगा सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम इनका जो है एक ही है नेटवर्क, ये सारी उसी से लगेगी। फेसबुक पेज से फेसबुक का पेज बनेगा, उसके साथ आपका बैंक अकाउंट जो है वो लिंक होगा, वो आपने लिंक कर देना है, उसमें आप पैसे डलवाएंगे पाकिस्तानी पैसे और डॉलर में कन्वर्ट होंगे, वहां से आपकी कटिंग होगी। बाकी आपने ऑडियंस खुद सिलेक्ट करनी है, एरिया खुद सिलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ दिखानी है, किस कंट्री में दिखानी है, किस एज के लोगों को दिखानी है। लेकिन इससे आप किसी भी चीज़ की प्रमोशन कर सकते हैं। और अगर तो डिजिटल आइटम है तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिर ई कॉमर्स में आ जाता है, फिर उसमें सिर्फ डिलीवरी का इशू होता है, बाकी तो कोई इशू नहीं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। सो उसके अलावा आप हमें ये बताएं कि आपने आईटी वाला अपने नेम के आगे लगाया है, तो इसका क्या मकसद क्या था? अब ये सीसीटीवी कैमरा का कुछ कनेक्शन था आईटी वाले लगाने के साथ? आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मुझे शुरू से ही ना कंप्यूटर से लगाव था, टेक्नोलॉजी का शौक था। जब हमारा केबल नेटवर्क था वहां पे केबल एड्स चलती होती थी, ठीक है, एक नीचे स्लाइड चलती है बट्टी, जैसे ये नाम लिखा हुआ ना आपका हिजाब अब और मेरा नाम लिखा मोहम्मद शाहिद इकबाल, इसी तरह स्लाइड चलती होती थी, उसको हम कहते थे स्लाइड या स्ट्रिप, ठीक है। और दूसरा है वीडियो एड, वीडियो एड केबल पे चलती थी। तब इंटरनेट का इतना दौर नहीं था, लोगों के पास टच मोबाइल नहीं होते थे, बटन वाले मोबाइल होते थे, और कुछ के पास वो भी नहीं होते थे, और हमारे घर में पीटीसीएल लगा होता था, तब की बात कर रहा हूँ। तो तब क्या था कि केबल एड चलती थी, ज्यादातर लोग जो भी हैं केबल पे एड्स देते थे, बड़े बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, वो बेशक लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, मेट्रोपोलिटन सिटी हो या दूसरे सादा छोटे सिटी हो, सभी में केबल ऐड का काम चलता था और जोरों शोरों पे था। तब लाखों और करोड़ों की, मतलब छोटे जो सिटीज हैं उनमें लाखों की ऐड चलती थी। हमारे खुद के 7 केबल नेटवर्क थे, और 7 में तकरीबन मेरा ख्याल है 1-1.5 लाख की ऐड चल जाती थी एक महीने की, और हर मंथली रेवन्यू होता था, और उसकी हमको अलग से फीस पे करनी होती थी पैमरा को, वो आती है सीडी फीस में, ठीक है। और जो बड़े शहर हैं तो फिर आप देख लें कि छोटे शहरों में 1-1.5 लाख के चल रही है तो बड़े शहरों में कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो लेकिन अभी वही सारी चीज़ जो है ना, वही जगह यूट्यूब ने ले ली, फेसबुक ने ले ली और एंड्रॉयड मोबाइल ने ले ली, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो उससे आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो आईटी इसलिए था कि वो एड बनाना मैंने सीखा, तब ये नहीं होते थे सॉफ्टवेयर में ज़्यादा, तब स्विशमैक्स था, उसके लिए ईमैक्स प्लेयर चलता था, और पावर पॉइंट में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये तो थे ना, पावर पॉइंट में ऐड बनती थी, प्रेजेंटेशन बना के उससे हम ऐड चलाते थे, या फिर होता था एक लीड वीडियो स्टूडियो, उसमें ऐड्स बनती थी वीडियो, और जो स्विच मैक्स में सादिस ट्राइप और स्लाइड्स बनती थी। तो कंप्यूटर का मैंने कोर्स किया है, कंप्यूटर विंडोज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी मुझे करना आता है, 2012 और 2013 से करना आता है, लेकिन 2017 में मैंने VTA से कोर्स किया था ओनली सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सर्टिफिकेट भी वैल्यू नहीं है, अगर आपको काम आता है, हुनर आता है, तो आप बगैर सर्टिफिकेट के भी काम कर सकते हैं। मुझे IT से लगाव था, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ IT वाला लगा दिया। Yes, thank you so much, sir, for your answer. और उसके अलावा सर आप हमें बताएं कि सर यहाँ अल्लाह से कभी आपका मीटअप हुआ है, आप और बहुत सारी पर्सनैलिटी से मिले हैं, साकिब बजर से मिले हैं और इमरान अली दीना से मिले हैं, और सर रेहान के साथ आपको? नहीं, मेरा अभी तक सर रेहान अल्लाह वाला से फिजिकल मीटिंग तो नहीं हुई ना मीटअप हुआ है, लेकिन ऑनलाइन एक दफ़ा हुई थी मीटिंग, तो ऑनलाइन मतलब उनकी स्ट्रीम चल रही थी, तो उसमें मैं क्या था क्वेश्चन आंसर किए थे, तो तभी उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि भाई आपको तो पहले इतना कुछ आता है, पहले अगली टंकी तो खाली कर दें, बाद में कुछ और सीखें। मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आते, मुझे ऑनलाइन फाइबर पे अपवर्क पे ऑर्डर नहीं आया, लेकिन ऑफलाइन मैंने बहुत काम किया, बहुत ऑर्डर आए हैं, केबल पे मैंने बहुत पैसा कमाया, सीसीटीवी कैमरा में मैंने बहुत काम किया, सीसीटीवी कैमराज में मैंने तकरीबन 100+ प्रोजेक्ट लगाए हैं, ठीक है। और ये डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड थी कि मैंने फेसबुक पे जो थी ना पोस्टें, 2019 में मैंने बताया ना आपको मैंने किया था डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, मैंने अपना पेज बनाया था, तो मैं अपने जो कैमराज लगाता था ना उनकी वीडियोस और फोटोज पोस्टें लगा देता था कि ये कैमरे हैं, दावा कंपनी 2 मेगापिक्सल रिजल्ट है, फला बंदे के फला जगह लगे हुए हैं, अगर आपको हमारी सर्विस पसंद है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो तारक हैं हमारे, मेरे साथ हैं, बॉस हैं, हैदराबाद के हैं वो तारक भाई,
ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो उन्होंने उनका काम क्या है कि हर जो बंदा फेसबुक पे है ना उसका नंबर उठाते हैं और अपनी जो लिस्ट है उसमें जमा करते रहते हैं रजिस्टर में। तो वो क्या करते हैं कि बैंकों में कैमरास लगे होते हैं, तो फिर जिस शहर में भी उनको जरूरत होती है ना उस शहर का निकालते हैं नाम और नंबर और उसको फोन करते हैं। फिर उन्होंने बाद में क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तो अब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तकरीबन 1400-1500 बंदा ऐड है पूरे पाकिस्तान से, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से। उसमें होलसेल डीलर हैं, इंस्टॉलर हैं और टेक्नीशियन है, उसके बाद छोटे डीलर हैं, बड़े डीलर हैं। उसमें सीसीटीवी कैमरा के ही लोग हैं सारे, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो बंदा उसमें एक पोस्ट करता है तो उसको उसका आंसर मिल जाता है। और ये जो उस ग्रुप की वजह से ही मैं इस्लामाबाद गया था, मुझे कंपनी से ऑफर आई थी कि हमें कैमरों के लिए बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस, आपकी क्या एक्सपर्टीज है। मैंने कहा ये जो है, वो उन्होंने कहा जी हमारे पास आए इंटरव्यू दें। मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया, उन्होंने रख लिया। और जब मैं उधर था तभी मैं सर शाम सरवर से मिला, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद में रावलपिंडी में होते हैं। हजार चाय वाला से भी मैं उधर ही मिला हूँ, और साकब अजहर साहब से तो मैं लाहौर में मिला हूँ ना, वो तो मैं स्पेशल गया था। और सर रेहान अल्लाह वाला से मिला नहीं हूँ, लेकिन शौक है मिलने का, क्योंकि नाम इनसे इनका सुना है बहुत, आजाद चाय वाला से, सर शाम सरवर से। और सर इमरान अली दीना से भी मैं इस्लामाबाद में मिला था, वो आए थे सर शाम सरवर से मिलने, उनका मीटअप था, खुला आसमान था शायद, और जो जगह थी, जो प्लेस थी ना, मेरा ख्याल बहरिया टाउन फेज 7 में था, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहरिया टाउन में था। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। सीसीटीवी कैमरा का हम अगर हम हमारे व्यूवर्स में से कोई काम कर भी ले, तो ये अगर 10-15 साल आगे चलेगा, तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है? इस काम का मैं कम से कम 4 बंदे चाहिए होते हैं, 4 से 5 बंदे, ठीक है। एक ओनर होगा, एक मार्केटर होगा जो मार्केटिंग करता है। जिसमें कंपनी में गया था उनका रूल यही था कि एक हमारा बॉस था, एक मार्केटिंग करता था बंदा, और 3 हम लड़के थे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने वाले। मार्केटिंग खैर मुझे भी आती है, मैं करता था, लेकिन वो कह रहे कि हमें जो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, हम फिजिकल मार्केटिंग ही करते हैं। लेकिन वो उनका अपना फेल था, लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग से ही सेलिंग की है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, बहुत सारे कैमरा सेल किए हैं। तो कम से कम ये सोच लें कि 5 बंदे होंगे, फिर आप कंपनी बनाएं तो आपका काम चल सकता है। उसके बाद आपने उसका मंगाना होता है सामान सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज का, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद, 4 मेजर सिटीज हैं। अगर किसी भी शहर से बंदा मिल जाएगा, और अगर उसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा सरमाया है, तो फिर कंटेनर आते हैं, वो जाते हैं सीधा चाइना से, चीन से आते हैं। तो वो कंपनी से, किसी भी कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा कि मुझे जी कंटेनर चाहिए, किस रेट में देंगे, या तो वो खुद चला जाए विजिट करे जाके चाइना में। पहली दफा तो उसे खुद जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ऑर्डर आ जाएगा। मैंने भी ऐसे किया था कि पहले मैं जाता था लाहौर से हाल रोड से सामान लेता था, हाल रोड और माल रोड से, और जब दुकानों पे जाता था वहां पे उनके कार्ड में ले लेता था, फोन नंबर ले लेता था, कार्ड लेता था, जिससे एक दफा माल ले लेते थे, परचेज कर लेते थे, उससे जान पहचान हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमें कभी भी कोई माल चाहिए होता था, हम उनको फोन करके ऑर्डर लगवा देते हैं कि ये जो हमारा सामान है इसका बिल बना के हमें भेज दें। हम वो हमें बिल भेजते थे, हम उसे उनको पैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते थे बैंक के थ्रू, मेजान बैंक के थ्रू, ठीक है। तो वो हमें बिल्टी करवा देते थे, वो 1-2 दिन 3 दिन बाद सामान आ जाता है। आप जिस मर्जी जो मर्जी सिटी में रहते हैं आपका सामान आ जाएगा, अगर छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं। अगर बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 बंदे हों, और आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जितनी है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो आपकी मर्जी, आप शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख से स्टार्ट किया था, वो भी मैंने सैंपल लेके आया था सिर्फ कैमरों के, 2 या 4 DVR लेके आया था और 8-10 कैमरे लेके आया था, कि अगर काम मेरा चल जाता है तो इसको मजीद एक्सपेंड करूंगा, अगर नहीं चलता स्टॉप करके नया काम शुरू कर लूंगा। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा था, लेकिन 3 से 6 माह लग गए थे, 6 माह बाद काम रनिंग में आ गया था। अभी लोगों के पास नंबर है जिनका काम किया होगा, ऑलरेडी उनके पास नंबर होता है, उनके रेफरेंस से अगले किसी बंदे ने कैमरास लगवाने होते हैं, वहीं से फोन आ जाता है, कॉल आ जाती है। या फिर डिजिटल मार्केटिंग है ना, फेसबुक पे एड्स लगाएं,
जिंदाबाद। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कि आप मेरी आवाज आ रही है। जी, अभी आ रही है, पहले स्टिल हो गई थी। फिर आप आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको जी, आवाज आ रही है मुझे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट थ्री पर्सनैलिटीज कौन सी हैं और क्यों हैं? मेरी फेवरेट पर्सनालिटी तो सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद अगर जो रियल हीरोज की बात करें तो सर श्याम सरवर है, आज़ाद चाय वाला है, रेहान अल्लाह वाला है, सर इमरान अली दिल है, क्योंकि उनसे मैंने जो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग सीखी है। फोटोशॉप में मैं इतना डीपली नहीं गया क्योंकि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। जब से कैनवा आया तब से तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि कैनवा से आपको पता बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, हम जो मर्जी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग मैंने उनसे ही सीखी है बेसिकली। बाकी आपकी खुद की एक्सपर्टीज होती है, जैसे जैसे काम करते जाए आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस एक्सपेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दूसरा आपने क्वेश्चन किया था कि क्यों है, क्यों इसलिए है कि ये लोग जो पाकिस्तान को एम्पावर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बच्चों को काम करना चाहिए, तो आज़ाद चाय वाले का मोटिव ये है कि काम करना चाहिए, कोई भी स्किल सीखे, हुनर सीखे, काम करें, वो बेशक ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, काम करना चाहिए। हुनरमंद बंदा है, स्किल्ड है, पर्सन है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है, उसको मसला नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे, स्किल नहीं सीखेंगे, फिर आपके लिए बहुत सारे मसले पैदा होने शुरू हो जाएंगे। कि और आपका शाम गोल सर पर क्या भी है, है? उन्होंने फ्रीलांसिंग पढ़ाई है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। मेरा गोल तो अभी है कि ऑनलाइन फील्ड में जाना चाह रहा हूँ मुकम्मल तौर पे। कैमरा को मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दो चार लड़के, 10 लड़के जितने भी हो अपने शहर के, पहले सिखाऊँ उनको काम, बाद में ऑनलाइन अपना वीडियोस बना दूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना दूँ, जिसने वहां से सीखना सीख ले काम। लेकिन कैमरों का काम ऐसा है कि ये आप फिजिकली बेहतर तौर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते। और जो दो चार शिक्षक होंगे वही काम करें, मैं फिर इसको छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, उनको जो चाहिए सामान चाहिए, क्योंकि मेरे जो है एक्सेस है, कहीं से भी कैमराज मंगवाने हैं, बेशक लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, हैदराबाद हो, मैं मंगवा सकता हूँ। मेरे पास रहा है, नंबर है, फोन कॉल पे जहाँ से मर्जी जो मर्जी सामान मंगवा सकता हूँ। तो इसलिए सामान उनको मैं मंगवा दिया करूंगा, लेकिन लगाना उनका काम है। मैं खुद जो फुली तौर पे जाना चाह रहा हूँ फ्रीलांसिंग की तरफ, ऑनलाइन काम की तरफ, और उसमें भी दो फील्ड जो मैंने चूज किए हैं, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी जो है फाइवर की गिग भी रैंक कर सकते हैं, और सॉरी गिग के कह रैंक के कह दिया, गिग को जो बूस्ट कर सकते हैं ना, उसकी मार्केट कर सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग, आपने कोई वीडियो लगाई है उसको बूस्ट करना है, उसकी एड्स लगाने हैं, वो भी लगा सकते हैं।
सही सही, मैं थोड़ा नेट का इशू हो गया था। तो उसके अलावा लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बात, पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इधर थोड़ा नेट का इशू है, सो इसलिए। तो अब मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सम इनसाइटफुल नॉलेज एंड योर वैल्यूएबल टाइम। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया।